22 अप्रैल को एनडीए का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर एसएसबी की टीम आप कैसे बनाओगे, कैसे आप तैयारी करवाओगे, कौन कौन बोर्ड में होंगे। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, हम उस पर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनमें से हमारे जो मेंबर रहेंगे जेंटलमैन सौरभ, मैं उनसे आपको परिचय कराऊँगा और वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि हम कैसे कैसे उस पर काम करेंगे। तो जब तक आपका रिजल्ट आता है तब तक आप उन पर फोकस करें। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सौरभ सर। नमस्कार सर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ भाव सर। आई बीन एक जेंटलमैन कैडेट ऑफ इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। आई वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, बट आई कुडंट कम्प्लीट द ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सो आई कुडंट कम्प्लीट इट, बट आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट अकेडमी एंड आई हैव सीन एवरीथिंग, लाइक हाउ द ट्रेनिंग गोज फॉर ऑलमोस्ट 3 terms. As you know, like training in IMA, it goes for 3 months. So I've been part till last, but I couldn't complete it. So now. So अभी जो students के जो questions होते हैं ना, उनका main question ये होता है कि how to face SSB. तो उनके लिए बड़ा challenge होता है, इसका part भी equal जो written का part होता है उसके equal SSB का भी होता है. अभी 26 का उनका exam हुआ है. एग्जाम अच्छा गया लेकिन उनको फोबिया है कि कैसे स्टार्ट कैसे करें, जब तक रिजल्ट ना है तब तक अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है एक आर्मी ऑफिसर की, जो रिक्वायरमेंट होती है वो लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए उनमें। जैसे आपको आपके ट्रूप्स को आपको हैंडल करना है, आपकी कंपनी होती है, आपका प्लाटून होता है, तो आपको बेसिकली उनको साथ लेके चलना होता है। तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए स्टूडेंट अपने आप में क्या एक तो लीडरशिप क्वालिटी अगर आप में अगर बेसिक जो क्वालिटी चाहिए कि आपके जो फील्ड आप जिसमें काम कर रहे हो उसकी पूरी तरह से आपको एक नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर लीडर हो तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊँची दर्जे की मानी जाती है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे करेज है, या फिर आपका आप कैसे आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है आपके ट्रूप के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। क्रेज और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। यस यस, बहुत बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन क्योंकि एट द टाइम ऑफ द बैटल कि हाउ टू कम्युनिकेट द यस, वो तो आपको सारी चीज़ें ट्रेनिंग में पता चल जाती है। बट एज अ बहुत हमें जो एक पॉजिटिव एक लीडरशिप अगर क्वालिटीज़ किसी में होती है तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है एक लाइफ की तरफ, या फिर आप जैसे डे टू डे लाइफ में जीते हो तो एक पॉजिटिव, क्योंकि आपको बेसिकली क्रिटिकल सिचुएशन में आपके ट्रूप्स को हैंडल करना है। जैसे वॉर सिचुएशंस आती है या कोई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, तो वहाँ पे आप वो क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक हिम्मत, एक करेज और एक आपके फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज होना, क्योंकि आपको ट्रूप को लेके चलना है साथ में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सर से हम आपको फिजिकली भी मिलवाएंगे जल्दी, तो सर को मैं बोलूँगा एक बार इंस्टीट्यूट के अपने नंबर बताएं और वहाँ हम जल्दी आपके रिजल्ट के बाद में सर के नेतृत्व में हम बाकी और लोगों की भी एक टीम बनाएंगे। आर्मी में जो रेगुलर ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं और एक अच्छी टीम हम आपको देंगे जो आप अच्छा रिजल्ट दे सके। तो सर से मैं बोलूँगा एक बार सर अपनी वेबसाइट और अपने आप अभी हम कुछ दिनों में हम अभी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यूएलएस इंस्टीट्यूट में आप आके बात कर सकते हो। और फ़ोन नंबर है आपका 011-4987-6255 और वेबसाइट है ulsinstitute.com, www.ulsinstitute.com। और एक ऑल्टरनेट नंबर भी है 997-1903799। सो आपको कुछ भी क्वेरीज हो या आपको कुछ भी डाउट पूछने हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, अपना प्रेजेंस टाइम देने के लिए।